हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चारुशैन। वेलकम टू डीपीएससी लर्नर्स। तो बात करेंगे आज हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो आपकी डीपीएससी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसके यूनिट थर्ड जो कंट्रीब्यूशन ऑफ फिलोसफर्स एंड थिंकर्स है, उसमें मैंने आपको महात्मा गांधी, गिजुभाई बदेका, रविन्द्रनाथ टैगोर और फ्रेडरिक फ्रोबल और आपका मारिया मॉन्टेसर, ये करा दिया है। अब बात करेंगे हम ताराबाई मोदक के बारे में। इसके बाद आपका औरबिंदो, कृष्णमूर्ति, रूसो, ये रह जाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। ताराबाई मोदक वाज अ वेल नोन नेम इन द फील्ड ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। इन्होंने भी प्री स्कूल एजुकेशन के लिए काम किया गया और ये जानी भी प्री स्कूल एजुकेशन के नाम से ही है। उसके बाद हर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू इवॉल्व प्री स्कूल एजुकेशन अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड विलेज सेटअप इज एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। मतलब क्या था, इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑड्स आए, लेकिन फिर भी इनकी जो डेडिकेशन और कमिटमेंट थी कि इनको एक प्री स्कूल खोलना है, वो इन्होंने खोला और ये एक दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनी। इन द बिगनिंग ताराबाई मोदक जॉइन गिजुभाई बदेका बाल मंदिर फॉर अ ब्रीफ पीरियड। स्टार्टिंग में क्या किया, ताराबाई मोदक ने गिजुभाई बदेका यानी जो जिनका बाल मंदिर था वो ज्वाइन किया थोड़े टाइम के लिए। तो वो जब उन्होंने जिस टाइम के लिए ज्वाइन किया वो टाइम इनके लिए टर्निंग पॉइंट आया। टर्निंग पॉइंट क्यों आया, क्योंकि ये समझी वहां पर जाकर कि बच्चों की रियल नीड्स क्या है, छोटे बच्चों की, और ये चाहती थी कि जो बच्चों की डेली नीड्स हैं मैं उनको फुलफिल करूँ एक नेचुरल सेटिंग में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिंपल आंगनबाड़ी खोला एक रूरल पैटर्न पे, मतलब गाँव में ही खोला प्री स्कूल एज अ प्री स्कूल केयर। She wanted children to develop naturally while interacting with a familiar surrounding. ये चाहती थी कि बच्चे जो है naturally develop हों एक familiar surrounding से interact करते हुए। उसके बाद इनका जो concept था वो कोसबार महाराष्ट्र में पूरा हुआ। तो ये है हमारा पूरा ताराबाई मोदक के बारे में। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कहीं प्रॉब्लम आई प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।